Hey Siri, how to get slim and tall without any exercises? Only eating fast food, food also. Fast food also included. 75 डेज़ हार्ड चैलेंज की तरह आज मैं आप लोग लेकर ले आई हूँ एक बहुत ही सॉलिड चैलेंज जो कि है 30 डेज़ का साथ ही साथ आपको डाइट भी मिलेगा जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप आराम से हर महीने 30 दिन के अंदर आप अपना 10 किलोज़ डाउन कर सकते हैं इस चैलेंज में नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ टीन एजर्स फेल हो जाते हैं बट जो एक परसेंट इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं वो अपना टेन किलो तक का रिडक्शन कर पाते हैं वो भी थर्टी डेज के टीन एज एक ऐसा टाइम होता है ना जिसमें हम खुद पे फोकस करना स्टार्ट करते हैं हम पतले हैं मोटे हैं काले हैं गोरे हैं ब्ला ब्ला ब् मुझे एक ऐसा टाइम है ना हम सब ने एक्सपीरियंस किया है इस टाइम पे हम कुछ ज़्यादा ही एनर्जेटिक होते कुछ ज़्यादा ही एक्सपेरिमेंटल होते हैं एडवेंचरस होते हैं और न्यू चीज़ों को एक्सपीरियंस करने की हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है बेसिकली इस एज में आप खुद पे ध्यान देना स्टार्ट करते हो आप काफी सारे बुलीज भी फेस करते हो अगर आप मोटे हो आपका नाक मोटा है तो काफी सारे बेसिस पे आपके खुद के क्लासमेट्स ही आपको जज करने लग जाते हैं और आप डिप्रेशन में चले जाते हो सेल्फ लव खो देते हो और खुद से नफरत करने लग जाते हो तो आपकी एक्टिविटीज भी अब कम हो गई है टीन आज के टाइम में लेजी होते जा रहे हैं टीन में हो तो आपको एक हेल्दी डाइट और हेल्दी फिजिकल एक्टिविटी फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि आप इस टाइम पे ग्रोइंग स्टेज में हो आपका ब्रेन आपका मेंटल एबिलिटी ग्रो होगा आपकी अंडरस्टैंडिंग ग्रो होगी आपकी हाइट ग्रो होगी आपका स्टेमिना इंक्रीज हो रहा है बेसिकली आप कह सकते हो जैसे चक्कू को जितना घिसते हैं उतना ही वो शार्प होता है ना वैसे ही टीन को एक ऐसा एज माना जाता है कि आप जितना ज्यादा मेहनत करते हो जितना आगे चल के वो आपकी हैबिट बन जाती है बस एक चीज ध्यान में रखो बिलीव इन योर किसी भी सिचुएशन में आपको खुद पे भरोसा करना है बिकॉज आप में जो पावर है ना लाइक अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत गंदी दिख रही हूँ या गंदा दिख रहा हूँ मैं मेरा वेट बहुत ज्यादा टीन के टाइम में अगर आप एक हेल्दी डाइट फॉलो करते हो विध सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी तो आप यू अपना वेट लॉस कर सकते हो वो भी डेज में आप अपना टेन किलो तक डाउन आराम से कर सकते हो आज मैं आपको डाइट जो दूंगी ना वो सारे ओवर किड्स और बच्चों के लिए काम आने वाला बहुत ही इफेक्टिव सा डाइट प्लान है आपको फिट करने के लिए पतला करने के लिए अपने फेस से पिंपल्स भगाने के लिए सेल्फ लव करने के लिए बस आपको कॉस्नो को नो कहना है अब आप पूछेंगे व्हाट इज दिस कॉस्नो सी फॉर चॉकलेट And cold drink. O oh for oily food. As for sweets and sugar. And for namkeen and O oh for outside food. मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है सुनने में आपको लगेगा हाय राम क्या बोल दिया मैं तो चॉकलेट नमकीन के बिना जिंदा ही नहीं रह सकती हूँ सबसे सस्ता एंड इफेक्टिव डाइट प्लान आपको बताने जा रही हूँ इसमें आपके एक रुपए भी खर्च नहीं होने वाले हैं साथ ही साथ जो घर पे बन रहा है वही आप खाने वाले हो इससे आपका पॉकेट मनी आपका सेव होगा और खुद को ट्रीट भी दे सकते हो तो पहले मैं आपको ना डाइट प्लान बताती हूँ वो डाइट प्लान को आप एक, एक पेपर में लिखते चलो एंड उस डाइट प्लान के बाद इस वीडियो को बंद मत करना क्योंकि उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक एक फॉर्मूला और एक चैलेंज देने वाली हूँ और किस तरीके से ये डाइट को करना है वो बताने वाली हूँ क्योंकि डाइट तो आपको हर कोई दे देगा पर उसको फॉलो कैसे करना है वो कोई नहीं बताएगा सो डियर टीन और प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ एक छोटू सा लाइक दे दो कमेंट सेक्शन में अपना नाम एज आपका वेट और आपको एक महीने में कितना वेट कम करना है वो लिख दो क्या गई विदाउट एनी आई अडो लेट जस्ट गेट इन टू द डियर टीन एजर्स सुबह के टाइम में आप उठते हो स्कूल जाने के लिए बहुत ही अर्ली लाइक छह बजे उठ जाते हो तो आपने सुबह उठते के साथ दो ग्लास गरम पानी गुनगुना पीना है है ठीक कुछ ऐड नहीं करना करना चाहते चाहते हो हो मत करो करना हो, तो लेमन कर लो एप्पल साइडर विनेगर कर लो ब्रेकफास्ट हम ब्रेकफास्ट मोस्टली स्किप कर देते हैं बट ठीक है आप टाइम निकाल के एक कप दूध या एक ग्लास दूध भी पी लोगे चल जाएगा दूसरा ऑप्शन आप दो बॉयल अंडे या ऑमलेट खा के जा सकते हो छह बजे का ब्रेकफास्ट हो गया अब जो लंच है होता है हमारा वो बारह बजे होता है स्कूल में ठीक है कॉलेज में हो तो भी आपका बारह बजे ही होता है तो फिर उसमें हम बेसिकली रोटी सब्जी और सेलेड लेके जाते हैं तो आपने दो रोटी रखनी है और थोड़ी सब्जी सब्जी में आप कोई भी सब्जी खाओ कोई टेंशन नहीं है सीजनल सब्जी इंक्लूड करो कि बहुत अच्छे ऑयल और मसाले का क्वांटिटी आप कम करवा दोगे उसके बाद हम लोग घर आते हैं ना स्कूल के बाद अराउंड तीन बजे हम घर पहुँचते हैं तो उस टाइम पे भी हम मील लेते हैं तो उसमें हम चावल सब्जी दाल सैलेड तो सेम आप वो चीज ले सकते हो अगर आप चावल खा रहे हो तो पाँच से सात चम्मच चावल रहेगा एक कटोरी सब्जी रहेगी एक कटोरी दाल रहेगा रहेगा आपका सैलेड अब लास्ट मील जो हमारा होता है वो होता है डिनर का जो कि आपका सात बजे रहेगा सात बजे के बाद आपको अपने शरीर में कुछ डालने की जरूरत नहीं है सिंपल जो अभी बता रही हूँ मील वो सात बजे का डिनर रहेगा उसके बाद नथिंग ठीक है सात बजे आप ओट्स दाल की खिचड़ी खा सकते हो या फिर दलिया बना के खा सकते हो या फिर एक रोटी विथ सब्जी खा सकते हो या फिर आप ओट्स नॉर्मली बना के एक बोल ले सकते हो ये सारी सब्ज़ी लाइक पनीर भुर्जी बना ली साथ में आपने या तो अंडा ले लिया उबला हुआ एक और इन सारे खाने जो सब्जी बन रही है उसमें तेल कम से कम यूज़ होगा नो मैटर आप सरसों का तेल यूज करना चाहते हो करो घी करना चाहते हो करो कोकोनट ऑयल करना चाहते हो करो नो इशू ऑलिव ऑयल है वो भी चलेगा ठीक है चैलेंज मेरी तरफ से आपके आपके लिए है थर्टी थर्टी डेज का और इसमें ये मज़ेदार की बात है कि आपको चीट मील भी करने को मिल रहा है जी हाँ डाइट प्लान के साथ आपको चीट मील भी करने की परमिशन दे रही हूँ बट चैलेंज के साथ कि कब करना है आपने जो मैंने डाइट बताई वो थर्टी डेज तक कंटिन्यू आप फॉलो करेंगे नो आउटसाइड फूड ठीक है जो मैंने कॉस्नो को नो बोला है ना उसको नो करके रखना बाकी आप घर का देसी खाना जो मैंने बताया वो चीज़ इंक्लूड करेंगे थर्टी डेज आपको हम सब बच्चों को एज अ पॉकेट मनी मिलती है बचपन में थोड़ी थोड़ी दस रुपये भी रुपए सौ रुपये ठीक है जितनी भी आपकी जमा होती है एक महीने में लेट से आपके पास तीन सौ जमा हो रहा है या आपके पास पाँच सौ जमा है तो मंथ के एंड में आपके पास जितनी भी सेविंग्स होती है पिगी बैंक से निकालो और आप जाओ मैग्डी जाने का मन है या पिज्जा हट जाने का मन है जो भी खाने का मन है आप जाके वंस अ मंथ आप वो ट्रीट खुद को दो बट वो ट्रीट जब आप प्रॉपर डाइट फॉलो करने के बाद दोगे ना तो उसका मज़ा ही कुछ और होगा हर सप्ताह या हर दो दिन के बाद ये सब खाने से कुछ ज़्यादा मज़ा तो नहीं आता है लाइक मन करता है तो खा लेते हैं बट वो मज़ा नहीं आ रहा होता है पर जब आप तीस दिन के बाद ये खाओगे ना आ लगेगा कि जन्नत मिल गया तो ये वाला चैलेंज आपको मैं दे रही हूँ काफ़ी ईजी है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है चार हफ्ते यूँ निकल जाते हैं सो डू ट्राई एट एंड दस किलो आराम से घटा लोगे ठीक है साथ ही साथ आप सेविंग करना सीख जाओगे अपना चीट मिल भी इंजॉय कर लोगे खुद को फिट और पतला देख के आपको खुद मोटिवेशन आने लग जाएगा सिंपल यही चीज आपको हर मंथ फॉलो करना और देखे, आप देखेंगे कैसे आप बिना किसी एफर्ट डाले और लेसली आप अपना वेट लॉस करेंगे और पतले और एकदम मस्त आपका फेस एकदम पिंपल फ्री हो जाएगा फेस एकदम क्लियर हो जाएगा पिंपल्स एकदम गायब हो जाएंगे ऑयली स्किन आपका होना बंद हो जाएगा अगर गर्ल्स आपको पीरियड्स की रेगुलरिटी टीने से देखने को मिल रही है तो इस डाइट से आपका पीरियड्स रेगुलर भी होने लग जाएगा फॉलो एड वीडियो को लाइक करते हुए जाना और बदले में इस वीडियो को शेयर कर देना और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे और वीडियोस के लिए साथ में कमेंट सेक्शन में अपना नाम एज किस सिटी से आप देख रहे हो वो और अपना वेट और टारगेट वेट लिखना मत भूलना सो यागर इज ऑल द बेस्ट बाय सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो